नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। अगले 20 सालों में दिल्ली की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से ड्राफ्ट किए गए मसौदे में इसे दिल्ली मास्टर प्लान 2041 का नाम दिया गया। इसके तहत अगले 20 सालों में दिल्ली में कई चीजों पर काम किया जाएगा, जिसमें सस्ते किराए के मकान, तमाम कॉलोनियों को व्यवस्थित तरीके से डेवलप करना और ट्रैफिक की समस्या को दूर करने जैसी चीजें शामिल हैं। दिल्ली के 2041 के मास्टर प्लान मसौदे में राज्य में 24 घंटे आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के साथ ही प्लॉट प्लेस सहित अन्य वाणिज्यिक केंद्रों के मूल स्वरूप को पुनर्जीवित करने जैसे मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया। इसके अलावा मास्टर प्लान में पुरानी दिल्ली से थोक कारोबार की गतिविधियों को बाहर ले जाने की भी योजना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से तैयार मसौदे को बुधवार को सार्वजनिक किया गया। इसके लिए 45 दिनों के अंदर हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई। मसौदे में प्रदूषण को लेकर चिंता, सूचना प्रौद्योगिकी जैसी स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं की तरफ रुख करना, ज्ञान आधारित और उच्च तकनीक उद्योग, उद्यमशीलता गतिविधियों, रियलिटी बाजार, पर्यटन, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया। दिल्ली के अगले 20 साल में 24 घंटे सिटी बनाने का प्लान है, यानी कि दिल्ली में अगले कुछ सालों में 24 घंटे मार्केट और दुकानें खुली रह सकती हैं। प्लान के तहत दिल्ली की नाइट लाइफ पर भी फोकस किया जाएगा। दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां हैं, उनके लिए भी मास्टर प्लान में खास मसौदा तैयार किया गया। ऐसी कॉलोनियों को दिल्ली में नहीं बढ़ने दिया जाएगा, कच्ची कॉलोनियों को नए तरीके से डेवलप किया जाएगा। इसे अनऑथराइज्ड कॉलोनी रीजनरेशन स्कीम का नाम दिया गया है। जिन कॉलोनियों को नए तरीके से डेवलप किया जाएगा, उनके आसपास के इलाके में सभी जरूरी सुविधाएं होंगी, जिसमें स्कूल, अस्पताल और ऐसी ही पब्लिक यूटिलिटी की तमाम चीजें होंगी। मास्टर प्लान के तहत रिहायशी इलाकों में सस्ते घरों पर जोर दिया गया। पुराने और अनियोजित इलाकों में लोगों के लिए किफायती घरों की व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में क्योंकि जमीन और भी ज्यादा महंगी होने वाली है और आम लोगों के लिए घर लेना मुश्किल होगा, इसके लिए लैंड पुलिंग मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। लैंड पुलिंग क्षेत्र में लाखों रिहायशी इकाई बनाई जाएंगी। प्लान के मुताबिक दिल्ली में मौजूद सभी हेरिटेज इमारतों और चीजों को एक खास एजेंसी को दिया जाएगा, जो इनकी मरम्मत का काम करेगी। सेंट्रल विस्टा, शाहजहानाबाद, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, हौज खास, महरोली जैसे आकर्षण केंद्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा, जिससे आम पब्लिक और टूरिस्ट आकर्षित हो। इसके अलावा ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों वाले इलाकों की भी पहचान की जाएगी। इस मसौदे में सबसे महत्वपूर्ण है कि जल संकट को देखते हुए प्रति व्यक्ति पानी की खपत 60 गैलन प्रतिदिन से घटाकर 50 गैलन करने की योजना बनाई गई है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 का मसौदा जनता के सुझावों और आपत्तियों के लिए डीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस परिवहन प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जिसमें उच्च गति की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए रणनीतिक कॉरिडोर से लेकर ऐतिहासिक रिंग रेल नेटवर्क के पुनर्विकास तक की बातें शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।